देश में उपज को आमदनी से सरकारें जोड़ नहीं पाई, वोट को जवाबदेही से जोड़ा नहीं जा सका और शिक्षा से रोजगार को सीधे आजादी के 77 साल बाद भी जोड़ नहीं पाए। नतीजा, किसान आंदोलन करता है, बेरोजगार प्रदर्शन करता है, अपनी मांगों के लिए जनता सड़क पर उतरती है और तब जरूरी होती है दस्तक देना। आज दस्तक उस पेपर लीक और नकल की चोरी के खिलाफ जहां चोर रोका नहीं जाता और सरकारें युवाओं के नाम पर शोर मचाती हैं। बच्चे जैसे ही बड़े होने लगते हैं लोग पूछने लगते हैं, आपका बेटा या आपकी बेटी क्या सोच रहे हैं आगे बनने की। बेटी बेटा कोई इम्तिहान की तैयारी करें तो रिश्तेदार पास पड़ोस के लोग पूछते हैं कि इस बार भर्ती निकाल लेगा या नहीं। पिता की आस, मां की प्रार्थना, रिश्तेदारों की उम्मीदों का बोझ लेकर हमारे देश के युवा एक नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं जिसे कोई पेपर लीक माफिया, कोई घूसखोर अधिकारी, कोई रिश्वतखोर नेता, कहीं भ्रष्ट और कहीं सुस्त सरकारें रौंद देती। इसीलिए आज दस्तक देना जरूरी हुआ। हमारे देश में यह नियम तो बन जाता है कि दो बच्चों से ज्यादा जिसके होंगे उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें धार्मिक ध्रुवीकरण और विकासवाद दोनों का लाभ दिखता है। लेकिन यह नियम बनाने की हिम्मत कोई नहीं कभी कर पाता कि जिसके दो बच्चे होंगे वो ईमानदारी से कराई गई परीक्षा में उन्हें नौकरी भी मिलेगी। देश के सियासत में यह तो बहुत बढ़ चढ़कर बताया जाता है कि फला पार्टी के बार बार रीलॉन्च किए जाने पर फला नेता लॉन्च नहीं हो पा रहा, लेकिन यह भी नहीं बताया जा पाता कि युवा भी बार बार भर्ती अटकने और पेपर लीक के कारण रोजगार में सरकारी अंधेर गर्ती से लॉन्च नहीं हो पा रहे। नेता चुनाव जीते तो तुरंत सांसद विधायक बन जाते हैं। देश में करोड़ों नौजवान परीक्षा पास करके भी महीनों नौकरी को तरसते हैं, क्योंकि देश में पढ़ाई की गारंटी है लेकिन पढ़ाई के बाद पेपर लीक मुक्त परीक्षा की गारंटी नहीं है। पिछले ही महीने देश का मिजाज समझने वाले इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में सबसे ज्यादा 25.9% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या माना था। महंगाई के बाद 17.7% लोगों ने बेरोजगारी को ही सरकार की सबसे बड़ी नाकामी माना, लेकिन किस काम के लिए सरकार को याद करेंगे पूछे जाने पर सबसे ज्यादा 42% लोग कहते हैं राम मंदिर। नतीजा, वोट धर्म जाति के मुद्दे पर पड़ता है, कभी रोजगार बेरोजगारी, नौकरी देने में भ्रष्टाचार, खाली पड़े नौकरी के पद, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, कॉलेज में खाली पड़े प्रोफेसर के पदों पर वोट देने का मुद्दा ही तैयार नहीं होता। असली राष्ट्र निर्माण तभी है जब असली मुद्दों पर मतदाता सही गलत का आकलन कर सके। देश में पेपर लीक मुक्त परीक्षा की गारंटी हो, देश में पढ़ाई के साथ रोजगार मिलने की गारंटी हो, इन दो गारंटी के लिए आज आपको दस्तक देनी है। एक किरदार और तीन चरण। रमेश जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, रमेश जब 10वीं 12वीं में पहुंचता है और रमेश जब भर्ती इम्तिहान देने जाता है। रमेश जब प्राइमरी स्कूल जाता है तो स्कूल में जितने सरकारी शिक्षक चाहिए उतने होते नहीं। रमेश की शिक्षा की बुनियाद ढीली पड़ती है, पढ़ने में कमजोर होता है। रमेश जब 10वीं 12वीं का बोर्ड इम्तिहान देने जाता है, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से नकल का रास्ता चुनता है, किसी तरह पास होता है। रमेश के पास डिग्री है, नौकरी लायक योग्यता नहीं। नतीजा, भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक माफिया का सहारा लेता है, नौकरी पाता है। गलती सिर्फ रमेश की कहेंगे या उस सरकारी व्यवस्था की जिसने पूरी शिक्षा और भर्ती व्यवस्था को खोखला कर रखा है। यकीन न हो तो हरियाणा के नूह जिले से आई इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। एक इमारत इमारत के ऊपर रोशनदान से गिनते जाइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देश के भविष्य को नकल के मकड़जाल में उलझाने वाले वो स्पाइडरमैन हैं जो अपनी जान की चिंता किए बिना इस वक्त स्कूल में चलती बोर्ड परीक्षा में नकल से एग्जाम पास कराने में जुटे हैं। इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी नकल कराने वाली इस ललित कला को यूनेस्को के पास भेजकर संरक्षित भी कराया जा सकता है। जहां हरियाणा के तावड़ू में बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल चली, चंद्रावती स्कूल में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने का मानो ठेका उठा हो, भीतर क्लास में बैठे परीक्षार्थियों को नकल कराने के लिए बाहर से उनके सहयोगी किताब गाइड लेकर चढ़ गए। वीडियो बनता रहा, वीडियो बनाने वालों को गालियां दी जाती रही, लेकिन हर परीक्षा केंद्र पर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो सब मानो यहाँ गहरी नींद में सोते रहे। हरियाणा सरकार आया है या नहीं, आया है तो देख लें,
बोर्ड परीक्षा में जो नकल का स्तर ऊंचा उठा है, ये परीक्षा व्यवस्था में नकल रहित वाले दावों को जमीन में 7 फीट नीचे धंसा चुका है। बिहार के वर्षों पुराने ऐसे वीडियो वायरल हुए तो बिहार में हर परीक्षार्थी को शक की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन हरियाणा ने बता दिया कि बिल्डिंग पर तिलचट्टों की तरह चिपक कर चढ़कर नकल कराने वाली विधा का ज्ञान उन्हें भी है। नूह के ताबड़ू में फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा में फिजिकल मेहनत करने वाले बाहरी लोगों की मदद से परीक्षा में खूब नकल हुई। इसी तरह नूह के यासिन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं की परीक्षा में परीक्षा कक्ष की खिड़कियां नकल की पुर्जी यानी चिट देने का रास्ता बनी, जिन्हें हटाने के लिए सुरक्षा कर्मी के हाथ का डंडा देखिए, इनके पास एक ढंग का डंडा तक नहीं। और ये पुलिसकर्मी देखिए, किसी पेड़ की टूटी हुई टहनी का हिस्सा लेकर नकल विहीन परीक्षा कराने की जिम्मेदारी हरियाणा में निभा रहा है। जहां नेताओं की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ दर्जनों पुलिस वाले लगाए जाते हैं, वहां सैकड़ों छात्रों के परीक्षा सेंटर पर एक ढंग का डंडा देकर पुलिस वाला तक नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे, उसमें स्कूल की मिली भगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिली भगत है, जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बाहरी हस्तक्षेप है तो पुलिस द्वारा ही रोका जाएगा। तो ये मामला जो आपने बताया भी मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं अभी एक बार स्कूल में सेंटर सुपरिटेंडेंट से और स्कूल के जो चीफ सुपरिटेंडेंट है उनसे बात करता हूँ। ऐसी नकल होगी तो योग्य बच्चे पीछे ही रहेंगे, नकल करने वाले जवाब लूट कर आगे बढ़ेंगे, करप्शन की नींव यहीं से पड़ जाएगी, क्योंकि नौकरी के लिए जरूरी शिक्षा व्यवस्था खोखली है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली है। जिस नूह जिले का नकल वाला वीडियो वायरल है, यहीं पर 4,000 टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है। शिक्षक होंगे नहीं तो पढ़ाई ऊपर वाले के भरोसे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पास होने के लिए नकल करेंगे, जिस पर सरकारी व्यवस्था अपनी कमी छिपाने के लिए आंख बंद करके बैठ जाती है। बोर्ड परीक्षाओं में भी या तो पेपर लीक होगा या नकल होगी। भर्ती परीक्षा का हाल तो आपको लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर देश में आईएएस बनने का पेपर लीक नहीं होता, देश में एनडीए का पेपर लीक नहीं होता, देश में जनप्रतिनिधि चुनने वाली ईवीएम भी लीक नहीं होती, लेकिन देश के हर राज्य में भर्ती इम्तिहानों के पर्चे लीक होते हैं। आपने सोचा कभी कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आईना साफ करने की जगह चेहरे से धूल हटाई जाती है। नकल कराने वाले, पेपर लीक कराने वाले को सजा कैसे देनी है, कितनी देनी है, इसका तो कानून बनाने वाला बिल लोकसभा में भी पास हो गया, कई राज्यों ने भी ऐसा कानून बनाया, लेकिन हकीकत है अपराधी को सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि अपराध रोकने वाला कानून बने। इसीलिए समझते हैं कि भारत में करोड़ों युवाओं को नौकरी के लिए रुलाने का जिम्मेदार कौन है। पहले नंबर पर वो पेपर माफिया जो सिस्टम के कुछ लोगों से सांठगांठ करके पेपर लीक कराता है। नंबर दो पर भर्ती व्यवस्था से जुड़े लोग जिन्हें पेपर माफिया खरीदता है। नंबर तीन पर वो कुछ युवा जो मेहनत करने की जगह पेपर माफिया से पेपर खरीद कर भर्ती इम्तिहान पास करना चाहते हैं। नंबर चार पर जिम्मेदार हैं वो कोचिंग संस्थान जिन्होंने शिक्षा को बाजार बना रखा है, वो कोचिंग मालिक जो अपने यहां से ज्यादा भर्ती दिखाने के लालच में पेपर माफिया के साथ हाथ मिलाकर लाखों युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। नंबर पांच पर जिम्मेदार है राज्य सरकारें जो भर्तियों को लटका कर रखती हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ने देती हैं, एक एक पद के लिए सैकड़ों दावेदार हो जाते हैं। सरकारों की अकर्मण्यता से पद कम, बेरोजगार ज्यादा होने पर पेपर लीक का मौका बढ़ जाता है। राजस्थान में 2021 की दारोगा भर्ती में पेपर लीक की वजह से 50 से ज्यादा लोग ट्रेनी सब इंस्पेक्टर तक बन गए, जिनके आरोपियों की जब आज कोर्ट में पेशी हुई तो वकीलों ने कोर्ट परिसर में ही पीट दिया। जो पीटे जा रहे हैं वो चेहरे हैं जिन्होंने चेहरा तो छिपा लिया लेकिन इनकी करतूत 3 साल बाद राजस्थान में छिप नहीं पाई। राजस्थान में 2021 की दरोगा भर्ती पेपर लीक से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बने आरोपियों को कोर्ट में वकीलों ने पीटा। जिन लोगों को पीटा जा रहा है ये 3 लाख लोगों के दरोगा बनने के सपने के कातिल हैं, जिन्होंने राजस्थान में गहलोत राज के दौरान हुई दरोगा भर्ती परीक्षा का मजाक बनाया।
ऐसा मजाक जहां परीक्षा केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम से ही स्कूल संचालक ने पेपर माफिया के साथ मिलकर प्रश्न पत्र लीक कर दिया। आज तक संवाददाता शरद कुमार पेपर लीक के केंद्र तक पहुंचकर ये रिपोर्ट लाए। जयपुर का रविंद्र बाल भारती स्कूल, जो कई भर्ती इम्तिहानों का परीक्षा केंद्र बनता रहा है, इसी स्कूल का संचालक राजेश खंडेलवाल है, जिसने 11 नंबर के कमरे में दरोगा भर्ती पेपर का स्ट्रॉन्ग रूम बनवाया, उसी के भीतर पेपर लीक करने के लिए अपने गैंग के सदस्य को छिपा दिया। ऑफिस के अंदर ये कोठरी है जिसके अंदर यूनिक बाम्बू उर्फ पंकज चौधरी को बैठा दिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र रख कर इसे बंद करके जो इन्विजिलेटर थे, परीक्षा संचालक थे, चले गए, यूनिक बाम्बू ने अंदर से मोबाइल से फोटो खींचा और कैलाश विश्नोई को भेज दिया, शिरोतन मोट को भेज दिया, और वहां पर अलग अलग जो थे वो फैसिलिटी सेंटर बनाए हुए थे, उस फैसिलिटी सेंटर पर प्रश्न पत्र को हल करने वाले बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत प्रश्न पत्र को हल किया और इसको लीक कर दिया। जो प्रश्न पत्र को हल नहीं कर पाए उन्हें डम्बी कैंडिडेट बनाकर बैठाया गया। माफिया का नेटवर्क पुलिस के नेटवर्क से बड़ा निकला कि दरोगा भर्ती का टॉपर नरेश बिश्नोई तक पेपर लीक से ही बना। टॉपर भी कहा जा रहा है, नरेश भी है, उसके बारे में जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पे शुरू से ही बहुत सूचना आ रही थी कि वो गड़बड़ तरीके से भर्ती हुआ है। वो एक बहुत साधारण मेधा का आदमी है और वो टॉपर और वो भी इतना हाई स्कोर से, तो पब्लिक को लग रहा था कि इट इज अनबिलीवेबल। पेपर लीक भी हुआ है और वो जो पढ़ाया गया है वो इसने नहीं पढ़ाया, वो पेपर इसके बदले कोई और होना चाहिए, अदरवाइज ये साधारण मेधा का आदमी है, ये पेपर पढ़ के भी टॉपर नहीं बन सकता, ऐसा लोगों का सूचना है। राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक ऐसा हुआ कि अब तक एसटीएफ मास्टरमाइंड तक तो नहीं पहुंची, लेकिन बिचौलिए जरूर पकड़े जा रहे हैं। मेरठ से 6 गिरफ्तारी हुई, इन्हें 18 फरवरी की परीक्षा का पेपर 17 फरवरी को ही मिल गया। इनका कहना है कि राजस्थान में कितने पेपर आउट हमने किए हैं हमें याद भी नहीं है, और कितने हजारों छात्रों को हमने पेपर बेचे हैं ये भी आउट नहीं है। पता नहीं कहां तक ये पेपर माफिया फैले हुए हैं और कब तक इन सब की पहचान हो पाएगी। अभी तक कहा जा रहा है 50 लोगों की पहचान हो चुकी है, ये संख्या करीब 90 के ऊपर भी जा सकती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पेपर लीक का मुद्दा आज तक ने दस्तक देकर सामने रखा। अब 2021 की यूपी दरोगा भर्ती के परीक्षार्थी अपने लिए इंसाफ मांगते हैं, दावा करते हैं कि राजस्थान जैसा ही घोटाला परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 2021 में हुआ, सीबीआई से जांच चाहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया पर अपनी मांग का हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए संघर्ष करते हैं। पेपर लीक का मकड़जाल खत्म तभी होगा जब शुरुआत से पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर सरकारों का जोर होगा। जो बात मैं आपसे कह रही हूं इसे समझने के लिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल दिखाते हैं। जहां बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांची जानी शुरू हुई तो अजब गजब जवाबों का शोर कॉपी में दिखा। पहली कॉपी देखिए, सवाल मानव भूगोल किस प्रकार है, जवाब लिखा गया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये दूसरी कॉपी, सवाल था अनोमीय प्रतिरोध क्या है, परीक्षार्थी ने जवाब की पहली लाइन में अनोमीय का जिक्र किया और आगे प्यार की कहानी लिख दी। लिख दिया जवाब में कि प्यार जल्दी नहीं होता, होता है तो जबरदस्त होता है, इसीलिए इसे अनोमीय कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखें, जो स्कॉटलैंड विज्ञान से जुड़े एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां बिहार के बच्चे बोर्ड की परीक्षा में मानव भूगोल का जवाब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दे रहे हैं, अनोमीय प्रतिरोध का जवाब प्यार की कहानी में बता रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तीसरी कॉपी देखिए, जहां उद्योगों की स्थिति के सवाल से पहले वाले जवाब में बिहार के धुरंधर परीक्षार्थी ने अवध में ऐसा एक दिन आएगा वाला भजन छाप दिया, नीचे लिख दिया जय श्री राम जय सीता मां। ऐसा छात्र इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें जवाब आता नहीं और लगता है कि कॉपी में कुछ भी लिख कर भर देंगे तो परीक्षक शायद कुछ नंबर ही दे दे।